संदेश? देखो, संदेश तो हमारा हिंदुस्तान हमेशा से भाईचारा में चला हुआ है, एक दूसरे के मजहब को हम साथों साथ लेके चलते हुए आए। अभी कुछ वक्त से ऐसी कुछ ताकतें ऊपर आई है जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़कर अब एक अलग देश को एक अलग दिशा में ले जा रही है, एक जातिवादी में बांधने की कोशिश कर रही है। तो लोगों को बेसिक मुद्दा जो है आज लोगों की रोजी कपड़ा और मकान जो हमेशा से मुद्दा होता था, वो मुद्दा ना पूछा जाए करके ये कभी भोंगा का पकारन निकाल रहे, कभी हनुमान चालीसवा की बात कर रहे। तो कोई भी मजहब की कोई भी श्रद्धा को किसी ने करने से मना नहीं किया, लेकिन एक दूसरे मजहब के घर पे जाके अगर वो दूसरे मजहब की बात करें तो ये आपस में जो भाईचारा है उसको मिटाने की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा मसला ही यही है कि जो आज महंगाई जो दौर पे चल रहा है, वो दौर के महंगाई को दूर करने के लिए ये मसला चल रहा है। सर, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है भूमि को लेकर, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश तो दिया है, लेकिन बात यह है कि हम कोर्ट तो हमेशा आदेश देता है जब दो मजहबों में आपस में झगड़े होते हैं, लेकिन ये हम तो एक दूसरे को भाईचारा से लेके चलना पड़ता है। आज पिछले साल जब कोरोना का पीरियड था, आप देखेंगे हर मस्जिदों में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटा गया गैस के लिए, उस वक्त किसी ने जात धर्म नहीं पूछा कि कोई कभी गुरुद्वारा में खाना बांटा गया, लंगर बांटा गया, उस वक्त जात धर्म नहीं देखा, लोग इंसानियत के लिए भाग रहे थे। आज ये ताकत इंसान को इंसान से लड़ाने का काम कर रही है, इनका मकसद ये एक दूसरे को लड़ाना है और राज करना है। इसमें वो आया तो जब फंबल